नमस्कार, इस वक्त की एक बहुत अहम खबर आ रही है और वो खबर है बॉलीवुड में ड्रग कार्टल से जुड़ी हुई। रकुल प्रीत सिंह के बारे में ये खबर है। रकुल प्रीत सिंह लगातार बहाने बना रही हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि कल उन्हें पूछताछ के लिए 26 सितंबर को रकुल प्रीत सिंह को पेश होना है एनसीबी के सामने। एनसीबी ने पहले ही उन्हें समन भेज दिया है और एनसीबी के सूत्रों से लगातार ये जानकारी कई मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सामने आई है। फिलहाल बड़ी बात ये बता दें कि रकुल प्रीत सिंह बहाना बाजी पर उतर आई हैं और लगातार वो ये दावा कर रही हैं कि ना तो उन्हें हैदराबाद में और ना ही मुंबई में और ना ही दिल्ली में, इन तीनों जगहों पर कहीं भी उन्हें कोई समन नहीं मिला है। यानी इस पूरे मामले में, इस पूरे ड्रग नेक्सस के मामले में, ड्रग से जुड़े तमाम मामले में रकुल प्रीत सिंह खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। वही रकुल प्रीत सिंह हैं जो कुछ दिनों पहले कोर्ट गई थी और ये कह रही थी कि उनके खिलाफ जो मीडिया ट्रायल चल रहा है उस पर रोक लगा देनी चाहिए। कोर्ट में उन्होंने ये गुजारिश की थी, मीडिया हाउसेस को उन्होंने धमकी दी थी कि अगर उनके खिलाफ कोई भी रिपोर्ट चलाई तो वो मानहानि का केस कर देंगी। लेकिन अब रकुल प्रीत सिंह जब एनसीबी समन भेज चुकी है, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत सिंह के साथ सिमोन खंबाटा को, तब रकुल प्रीत सिंह ये बहाना बना रही हैं कि उन्हें कोई समन नहीं मिला है। वैसे आपको बता दें कि इस वक्त रकुल प्रीत सिंह हैदराबाद में हैं और उन्हें 26 सितंबर की तारीख दी गई है, यानी उन्हें परसों पेश होना होगा एनसीबी के सामने। कल दीपिका पादुकोण को पेश होना है, 25 सितंबर की तारीख दीपिका पादुकोण को पेश होने की दी गई है। दीपिका पादुकोण के साथ साथ जो उनकी मैनेजर है करिश्मा, उन्हें भी दीपिका पादुकोण के साथ ही पेश होना है। और खबर ये आ रही है कि पहले शुरुआत में तकरीबन 3 से 4 घंटे दीपिका पादुकोण और करिश्मा से अलग अलग पूछताछ होगी, लेकिन उसके बाद दोनों को आमने सामने बिठाकर एनसीबी पूछताछ कर सकती है। तो अब इस मामले में बड़ी जानकारी ये कि रकुल प्रीत सिंह कई मीडिया हाउस का, कई टेलीविजन चैनलों का फोन नहीं उठा रही और जिसको वो जवाब दे रही हैं, बस इतना बता रही हैं कि उन्हें कोई समन नहीं मिला है।